चलो मैं आज आ गई और मैं थोड़ी सी बात कर लेती आप लोगों से। तो मैं ऐसी बात सोच रही थी दोस्तों, अगर हम खुदा पे कुछ चीज़ छोड़ते हैं ना तो वो सही से बदला लेता है। तो कुछ चीज़ें हम खुदा पे नहीं छोड़ते हैं और सोचते हैं नहीं हम खुद ही हैंडल कर लेंगे, ऐसा नहीं। अगर भगवान पर खुदा पे छोड़े ना तो बहुत अच्छे से बदला लेता है दोस्तों। तो मेरे साथ भी कुछ ऐसा हादसा हुआ था। तो मैं मतलब मैं ये नहीं कि मैं लोगों की मदद करती हूँ, पर मैं दिल से कोशिश तो करती हूँ कि लोगों को अच्छा ही करूँ, बुरा तो नहीं करती हूँ, ना उससे नफरत करती हूँ। लेकिन कुछ लोग, खैर मैं नहीं चाहती, वो गरीब आदमी था जो भी था जिसने मेरे साथ गलत करा, लेकिन दुख है उसके लिए मुझे। लेकिन जो घमंडी होते हैं ना, जो कहते हैं हे प्रभु हे प्रभु हे प्रभु, लेकिन वचन में लिखा है उनका मन दूर होता है परमेश्वर से, बहुत दूर होता है दोस्तों। हटा हे प्रभु हे मसीह, जय मसीह की जय मसीह की, जो ऐसे करते हैं ना लोग, वो मुझे बड़े बुरे लगते हैं दोस्तों। शायद खुदा को भी लगते होंगे, मुझे भी लगते हैं, क्योंकि वो लोगों की सेवा तो करते नहीं है, लोगों की मदद तो करते नहीं है, बस दिमाग खुरापाती दिमाग चलता है उनका कि इसको कैसे गिराएं, इसको कैसे गिराएं, ये चलता है। क्योंकि वो बाइबल नहीं पढ़ते हैं दोस्तों। अगर वचन पढ़ेंगे ना तो वचन काम करता है अपने आपके दिलों में, आपके दिमाग में। अच्छा, दिमाग में भी रख लेंगे पर दिल में नहीं उतारेंगे। तो वचन पढ़ना बहुत ज़रूरी है और उसको लेना भी बहुत ज़रूरी है दोस्तों। लेकिन कई लोग हैं ना, वो सब मैं क्या बताऊँ, खुल के नहीं बुला सकती, लेकिन बोल रही हूँ मैं। जिसको जिसको मेरी बात बुरी लग रही होगी ना, वो समझ जाएगा किसके लिए बोल रही हूँ मैं। तो दोस्तों ऐसे करते हैं, और प्रभु पे मैंने कुछ चीज़ें छोड़ी और मैंने देखा प्रभु ने यार बदला लिया। और मैं मतलब मैं गरीब आदमी के लिए बहुत दुखी हूँ मैं, कि मैंने चाहती उस गरीब आदमी के साथ ऐसा होता। लेकिन जिसने जो करा है ना दोस्तों, जो जानता था मैं कैसी हूँ और मेरे साथ ऐसा करा, उस चीज़ पर मुझे बड़ा दुख लगता है। उसके बाद भी ऐसे कुछ अच्छा, मतलब अच्छा तो नहीं, बुरा ही होगा। और खुदा जब गिराता है ना ऐसे लोगों को, तो उठाता नहीं है। हम विश्वासी लोगों को तो उठा भी लेता है, मेरी कहीं मैं अच्छी मैं नहीं बोली, विश्वासी लोगों को तो परमेश्वर उठा भी लेता है, लेकिन ऐसे लोगों को नहीं उठाता है। तो मैं कुछ चीज़ें खुदा पे छोड़ी मैंने। मैं मन बहुत दुखी था, बहुत गुस्सा आया था कि मैं ऐसा कुछ करूँ, मैं कुछ करूँ, लेकिन खुदा ने ऐसे मारा ना कि वो उठ नहीं सकता दोस्तों। तो बस खुदा पे आप विश्वास करिए, अपने भगवान पे आप विश्वास करिए, वो अच्छे से बदला लेता है। वो ऐसा बदला लेता है कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे, है ना, ऐसा है ना। तो कई बार हमें ऐसा लगता है कि यार ठीक है बर्दाश्त कर लो बर्दाश्त कर लो, लेकिन उसका न्याय बहुत अच्छा है अगर आप उसे विश्वास करते हो। क्योंकि मैं तो खुदा पे बहुत विश्वास करती हूँ और बहुत विश्वासी हूँ, और कुछ भी हो रहा है तो मैं सोचती हूँ यार ठीक है वही उसने बोला कि मैं, जब उसने बोला ना मुझे कि मैं करूँगा उसको मैं देखूँगा, तो चुप बैठ, तो दोस्तों मैं चुप बैठ गई। नहीं तो मेरा बिल्कुल भी चुप रहने का मन नहीं था दोस्तों, बिल्कुल भी। क्योंकि बाइबल में लिखा है हमें सांप की तरह चौकन्ने रहना चाहिए, कबूतर की तरह भोले बनना चाहिए, सही में ऐसे लिखा है। लेकिन कुछ जगह परमेश्वर भी हमें बोलते कि हमें कुछ करना है, तो लेकिन जब खुदा ने बोला ना मुझे कि मैं करूँगा मैं, तो दोस्तों मैं चुप बैठ गई। तो मैं चुप बैठ गई कि ठीक है यार खुदा, आपने मुझसे वादे किए तो आपके वादे कभी झूठे तो होते नहीं हैं। तो लव यू खुदा, जितना आपको प्यार करो उतना बहुत कम है, जितनी आपकी तारीफ करो उतना बहुत कम है, मतलब थैंक यू गॉड, बस इतना बोलना चाहती हूँ। तो आप लोग भी अपने खुदा पे अपने भगवान पर विश्वास करिए, वो बहुत अच्छे से बदला लेता है दोस्तों। चलो मिलती हूँ बाद में।